कंपटीशन का जमाना है, राखी सावंत है और संभावना सेठ है, और सीमा जी अपने आप को कहाँ देखती हो इन सबके बीच में? मुझे ऐसे लगता है कि सबकी अपनी अपनी जगह है और सबने अपना अपना एक नाम बनाया है। राखी जी ऑलरेडी अपना नाम बना चुकी है, संभावना जी बना चुकी है हिंदी में खासकर, तो अब मेरी शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है। और जनता को क्या कोई टिप देना चाहेंगे कि ये एल्बम जो आपके देखने वाले चाहने वाले हैं वो देखे, इसमें क्या विशेष है, क्या खास है? खास तो आप मुझे देख सकते हैं, मुझे लगता है कि यही एक खास बात है। मेरी ऑडियंस ने आज तक मुझे जैसे देखा है, मैं एक अलग लुक में लोगों को नजर आऊंगी। और जितने मैंने गाने किए हैं उन गानों में ये हिंदी एक ऐसा गाना है जो खुद मेरे दिल के बहुत करीब है। जो मैंने आइटम सॉन्ग किया है गुड़ की डली हूँ, जो आज के समय चल रहे हैं आइटम सॉन्ग, उस टाइप का वो आइटम सॉन्ग है। और मुंबई के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 साल बाद ऐसा कोई गाना आया है जो आमची मुंबई, मतलब मुझे भी करने बहुत मज़ा आ रहा है ये गाना। ऑडियंस से बस इतना बोलना चाहूँगी कि मेरे भोजपुरी दर्शकों ने तो मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरी हिंदी की एक ये नई शुरुआत है, मेरा पहला एल्बम है ये, तू जिंदगी है मेरी। जितना प्यार मुझे भोजपुरी ऑडियंस ने दिया है, मैं हिंदी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि वही प्यार और वही इज्जत और वही अपनापन मुझे हिंदी दर्शकों से चाहिए। कब तक देखने मिलेगा ये एल्बम आपका जनता को? बहुत जल्दी तू जिंदगी है मेरी ये एल्बम दर्शकों के सामने आने वाला है। मेरे ख्याल से 1 मार्च तक हम रिलीज करेंगे ये एल्बम। इसके बाद वाली हिंदी फिल्म है मेरी गोविंदा जी की होम प्रोडक्शन अभिनय चक्र, जिसमें मैंने गोविंदा जी के साथ में आइटम सॉन्ग किया है। और उसके बाद राकेश सावंत जी की डेड आइज, जिसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया है। तो बस मेरी शुरुआत है ये हिंदी में, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए।